अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। और आप लोगों ने अपने सारे प्रीवियस लेक्चर्स को देखा होगा और उसमें जो भी काम आप लोगों को बताया गया है, समझाया गया है, वो आप लोगों ने एज इट इज़ कर लिया होगा। बच्चों, आपको जो भी काम दिया जा रहा है, आपने एक तो अपनी नोटबुक्स पर और बुक्स पर उतारना तो है ही, लेकिन आपने उन्हें अच्छी तरीके से याद भी करना है, जो भी आपको काम दिया जा रहा है, ठीक है? तो अब सब बच्चे अपनी नोटबुक जो है वो खोल लें इस्लामियात की, और आज का इंडेक्स लिखें, सीरियल नंबर 2, और डेट क्या है? 10 सितंबर 2021। तफसीली सवाल नंबर 1 और 2, और ये किस पेज पर हम कर रहे हैं? पेज नंबर 3 पर। तो आप लोगों ने इस तरीके से अपना इंडेक्स जो है वो लिखना है। अब आप सब अपनी जो है वो पेज रेडी करेंगे और डेट लगाएं। आज डेट क्या है? 10 सितंबर 2021। जमात का काम, आज दिन है जुम्मा, और सबक का नाम है आखरत। तफसीली जवाब दें। तफसीली जवाब मतलब ये, पहले हम लोगों ने मुख्तसर सवालात किए हैं, अब हम थोड़े से बड़े सवालात हैं जो हैं, सवालात के जवाबात लिखेंगे। पहला सवाल क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में आखरत की अहमियत वाजिया करें, कि कुरान में जो कहा गया है और हदीस में जो बयान किया गया है आखरत के बारे में, तो वो आप लोगों ने इधर लिखना है, उसकी अहमियत बतानी है कि आखरत जो है वो क्या है और उस पर यकीन दहानी जो है वो कितनी जो है वो हमें कुरान और हदीस की रोशनी से करवाई है। जवाब, कुरान मजीद में इरशाद है, तो जिसने ज़र्रा भर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा, वो उसको मतलब अल्लाह ताला उसको देख लेगा, और जिसने ज़र्रा भर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा, कि अल्लाह ताला जो है वो इंसान की नेकियां भी और बुराइयां भी दोनों को देखता है। इस बात से हमें पता चल रहा है कि जब हमारे अच्छे और बुरे दोनों अमाल का हिसाब किताब दिया जा रहा है, रखा जा रहा है, तो अल्लाह ताला ने उसका बदला भी तो देना है, उसकी जजा और सज़ा जो है वो हमें मिलनी है, तो वो किस दिन मिलेगी? तो इस आयत से हमें वाज़ेह होता है कि वो जो दिन है वो आखरत का दिन होगा, जिसे हम क़यामत कहते हैं, और ये सूरह ज़िलज़ाल की आयत है। आगे है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुरान मजीद में इरशाद है, और हदीस किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, उनके कौल, वो तमाम जो है वो क्या कहलाते हैं? अहदीस कहलाते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है? दुनिया में इस तरह ज़िंदगी बसर करो जिस तरह अजनबी या राह चलता मुसाफिर, कि अल्लाह ताला ने, हज़रत मोहम्मद ने फरमाया है कि ये ज़िंदगी जो है, ये दुनिया जो है, ये इंसान के लिए मुस्तकिल क़यामगाह नहीं है, इंसान ने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। तो जिस तरह से एक मुसाफिर अपनी ज़िंदगी बसर करता है और कहीं एक जगह ज़्यादा देर क़याम नहीं करता, तो इंसान को भी इस दुनिया में यही सोचकर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि ये जो जगह है ये कोई मुस्तकिल जगह नहीं है, और यहाँ से कभी भी इंसान का जो है वो सफ़र जो है वो ख़त्म हो सकता है, या इंसान को अगली जगह पर जाना पड़ सकता है। तो अगली जगह पर कौन सी जगह होगी हमारी? आखरत की। जब हम अल्लाह के पास जाएंगे तो इस दुनिया से हमारा जो सारा ज़िंदगी जो हमने की होगी वो सारा चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा, और हमारा अगला सफ़र जो है वो तैयार हो जाएगा, जो शुरू हो जाएगा, और उसे कौन सा सफ़र कहलाएगा? वो आखरत का सफ़र कहलाता है। और ये सही बुखारी में लिखा हुआ है, और अकीदा आखरत पर ईमान लाए बग़ैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता, ये बात भी इंसान को वाज़ेह तौर पर समझा दी गई है। अब सवाल नंबर 2 देखें सब बच्चे, अकीदा आखरत पर इंसानी ज़िंदगी के क्या असरात मुरतब होते हैं, कि जब इंसान का आखरत पर अकीदा पक्का होगा, जो इंसान इस बात को जानता होगा कि ये दुनिया जो है ये ख़त्म होनी है
और हमें इंसान तमाम इंसानों को अल्लाह के सामने हाजिर होना है और हर चीज़ का जवाब दे होना है। तो इंसान जो है वो इंसान के अंदर ये तब्दीलियाँ जो हैं वो वाज़िया तौर पर नमूदार जो है वो होने लग जाती हैं। पहला ये कि इंसान के अंदर नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है। जब इंसान को पता है कि वो मरने वाला है तो वो इंसान जो है वो बुरे काम करेगा या अच्छे काम करेगा, वो अच्छे काम करेगा। तो इंसान को याद रखना चाहिए कि ये हम कभी भी इस दुनिया से जा सकते हैं तो नेक काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। इंसान झूठ और दीगर बुराइयों से बच जाता है। जो हम बार बार झूठ बोलते हैं, जो हम दूसरी बुराइयाँ करते हैं, बुरे काम करते हैं, जब इंसान को पता होगा कि मैंने इस दुनिया से चले जाना है तो वो ऐसे गलत काम, झूठ और बुरे काम नहीं करेगा और अल्लाह ताला की इंसान नाफरमानी भी नहीं करेगा। अल्लाह ताला की नाफरमानी का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो काम करने का कहा है वो करे और जिन कामों से मना किया है उन कामों से बच जाए। अकीदा आखिरत पर यकीन से इंसान में अच्छे अखलाक पैदा होते हैं। मतलब अच्छे अखलाक कि दूसरों का अखलाक में दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के साथ अच्छे से पेश आना, दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये तमाम जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अच्छे अखलाक। आखरत में अकीदा आखरत पर यकीन से इंसान में जवाबदही का एहसास पैदा होता है। जवाबदही का मतलब कि जब इंसान को अकीदा आखरत पर यकीन होगा तो उसे इस बात का भी यकीन होगा कि मुझे अपने हर अच्छे और बुरे अमाल का अल्लाह ताला को जवाबदेह होना है। अल्लाह के सामने मुझे अपने हर अच्छे बुरे काम का जो है अल्लाह के सामने हिसाब देना है कि तूने ये अगर गलत काम किया तो वो क्यों किया जबकि तुझे इस काम से मना किया गया था। और अच्छा काम जो होगा तो अल्लाह ताला उससे खुश होगा और हमें जो है वो जजा देगा। ठीक है, तो ये थे दोनों सवालात जो आपने अच्छी तरीके से करने भी हैं नोटबुक पर और इसे याद भी करना है। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।